गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे इज नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन सी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट राइट करना है, ये आपको नहीं करना री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। तो यहाँ तक ही थ्योरी राइट करेंगे क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बिग कैट्स रन वेरी फास्ट दैट हेल्प देम कैच देयर प्रे। जो बिग कैट्स क्या करती, काफ़ी फास्ट रन करती है, जो कि उसको किस में हेल्प करता है, जो उसका शिकार होता है, प्रे होता है, उसको कैच करने में हेल्प मिलती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है सेकेंड, वाइल्ड एनिमल सच एज ए काउ पिग एंड रैट आर कॉल ए बिग कैट्स। ये फॉल हो जाएगा। बिग कैट लॉयन लेपर टाइगर इनको कहते हैं बिग कैट्स, न कि कैट पिग गॉट को कहते हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टू हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। ये क्या है, फॉल्स है। साइबेरियन क्रेन जो है हिमालयन रीजन की साइड में ना आके ये अपने ईस्ट वाले वेस्ट वाले पार्ट पे रहती हैं, ठीक है, राजस्थान में, जैसे कि केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर हरियाणा में है, और पुष्कर के आसपास भी ये क्या करती हैं, कुछ जगह आती हैं एमपी में भी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ है, क्लाइमेट टू द डेजर्ट इज़ वेरी हॉट। डेजर्ट का क्लाइमेट हॉट ही होता है, ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। ट्रू है, क्योंकि उनके फैदर्स होते हैं लेकिन वो क्या नहीं कर पाते, उनसे वो स्विम करते हैं ना कि फ्लाइट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन ड्यूरिंग डे। आपको उस इंस्ट्रूमेंट का नेम बताना है जिससे कि एक डे का मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। तो आंसर में राइट कर दीजिएगा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, नेम ए प्लेस इन इंडिया वेयर साइबेरियन क्रेन कम एवरी ईयर फॉर ए फ्यू मंथ्स। आपको कुछ इंडिया के वे जगह बतानी है जहाँ पे साइबेरियन क्रेन क्या करता है, एवरी ईयर आते हैं। तो भरतपुर राइट कर लीजिएगा राजस्थान, और सुल्तानपुर है हरियाणा, ठीक है, सुल्तानपुर हरियाणा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, नेम एन एनिमल हैविंग स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। एक ऐसे एनिमल का नेम आपको राइट करना है जिसके स्टिकी पैड्स होते हैं फीट्स के ऊपर, तो वो है रेड आइड फ्रॉग। रेड आइड फ्रॉग को ये स्टिकी पैड्स ट्रीज के ऊपर क्लाइंब करने में हेल्पफुल रहते हैं, ये उससे अटैच हो जाते हैं उसकी ब्रांचेज वगैरह से, स्टेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल। आपको उस इंस्ट्रूमेंट का नेम राइट करना है जो कि रेनफॉल को मेजर करता है, मेजरमेंट। तो इसके लिए आप राइट कर दीजिएगा रेन गेज। रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, रेन को मेजर करते हैं कि कितने mm क्या हुई है, रेन हुई है कौन से एरिया में। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम एनी टू फैक्टर दैट डिटरमाइन क्लाइमेट। आपको ऐसे टू फैक्टर्स के नेम राइट करने हैं जिससे कि क्लाइमेट का डिटर्मिनेशन हो सकता है, तो वो है विंड एंड ह्यूमिडिटी। विंड हवा, ह्यूमिडिटी जिसमें एयर के साथ मॉइस्चर मिक्स होती है, ह्यूमिडिटी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम एन एनिमल दैट्स वेल अडेप्टेड टू लाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उन एरियाज में जो अडेप्टेड एनिमल्स के राइट नेम राइट करने हैं आपको, जैसे पॉलर बियर है, पेंगुइन है, रेन बियर है एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें आपको ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम एन एनिमल दैट वेल अडेप्टेड इन लाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसमें ये पॉलर बियर, पेंगुइन, रेन बियर राइट मत कीजिएगा, ये पॉलर रीजन्स में रहने वाले हैं। आपको आंसर जो राइट करना है, एलिफेंट, टोकन, लॉयन टेल्ड मकेक, रेड आइड फ्रॉग एंड बिग कैट्स, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये मिलते हैं। ये पोलर रीजन्स में मिलते हैं, पोलर बियर, पेंगुइन,
थोड़ा गलती से राइट हो गया था, तो आप ये आप राइट करेंगे इसमें। सेवंथ क्वेश्चन लास्ट, व्हेन इज द मिनिमम टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर डे रिकॉर्ड। मिनिमम टेम्परेचर जो होता है अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में रिकॉर्ड होता है। तो अर्ली मिनिमम टेम्परेचर पूछा है, तो इन अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।